अब हम इस वीडियो में आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मार्केट फेलियर की वजह बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, हर व्यक्ति के पास एक जैसी सूचनाएं नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कार है, तो उस कार में क्या खराबी है और क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, इसके बारे में जानकारी मुझे आपसे ज़्यादा बेटर तरीके से पता है। यानी कि जब मैं कार बेचूंगा तो जानकारी जो है वो आपको कम होगी, मुझे ज्यादा होगी। इसको बोलते हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। यानी कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब बायर और सेलर के पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है। मान लीजिए आप एक एसी खरीदने जा रहे हैं, अब एसी मान लीजिए नई कंपनी का आया है, आपको जानकारी नहीं है उस एसी के बारे में कि उसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, लेकिन कंपनी ने क्योंकि बनाया उसको तो अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो इसी को बोलते हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में बायर को कई बार ज्यादा जानकारी होती है, सेलर को कम जानकारी होती है, कई बार सेलर को ज्यादा जानकारी होती है, बायर को कम जानकारी होती है। तो यही कहलाता है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। यानी कि बायर और सेलर के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट को लेकर, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। और यह असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मार्केट फेलियर की वजह बनता है। यानी कि जिस केस में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगी वहां पर एलोकेटिव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं पाई जाएगी मार्केट सिस्टम के द्वारा, और हमेशा गवर्नमेंट का ये चांस बना रहेगा, जिससे कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि नई गवर्नमेंट का इंटरफेयर का चांस बना रहेगा। तो यहां पे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो होती है, इंपरफेक्ट इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ये तब होती है जब चार केसेस के अंदर ये मौजूद होती है, जिसमें से सबसे पहला है क्वालिटी अनसर्टेनिटी, जिसको हम एडवर्स सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं, दूसरा है मार्केट सिग्नलिंग, तीसरा है मॉरल हैजर्ड, और चौथा है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। इसमें से दो पॉइंट के ऊपर हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगली दो बची हुई दो पॉइंटों के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी प्राइवेट वीडियो रहेगी। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस करना चाहें, यानी कि फुल कोर्स एक्सेस करना चाहें, तो आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। तो सिस्टमेटिकल ऑर्डर में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप अगर अपने समय का बचत करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। तो सबसे पहला केस जिसके बारे में हम आपसे अब डिस्कस करने वाले हैं, वो है फर्स्ट केस, क्वालिटी अनसर्टेनिटी या एडवर्स सिलेक्शन के बारे में। तो देखिए, एडवर्स सिलेक्शन के बारे में जियो एल्करोफ ने एक तरीके से एक थ्योरी बनाई, जिसको उन्होंने नाम दिया लेमन प्रॉब्लम का, जिसको लेमन पीच प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। और उनकी थ्योरी बताती है कि जो बैड प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में से गुड प्रोडक्ट को हटा देते हैं। यानी कि मार्केट में केवल और केवल बैड प्रोडक्ट ही बचेंगे, गुड प्रोडक्ट मार्केट में ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। तीन एग्जांपल बच्चों हम इसके अंदर लेंगे। हम कार मार्केट का एग्जांपल लेंगे, यूज कार मार्केट का एग्जांपल लेंगे, हम इंश्योरेंस मार्केट का एग्जांपल लेंगे, हम क्रेडिट मार्केट का एग्जांपल लेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लेमन प्रॉब्लम है वो हर जगह मौजूद होती है। यानी कि जो बैड प्रोडक्ट होते हैं वो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होने की वजह से गुड प्रोडक्ट को मार्केट से हटा देते हैं। यानी कि अगर पूरी इंफॉर्मेशन होती, अगर सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती, तो मार्केट सिस्टम ठीक से काम करता, लेकिन क्योंकि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आती है। बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, एडवर्स सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले आती है। यानी कि ये ट्रांजेक्शन करने से पहले की प्रॉब्लम है। तो एग्जाम्पल की बात करें, देखिए यूज कार में किस तरीके से होता है। मान लीजिए मेरे पास एक कार है, और वो कार मान लीजिए मैंने 2020 में खरीदी थी, मान लीजिए 2020 में मैंने कार खरीदी थी, और मान लीजिए 2020 में ही आपने भी कार खरीदी, एक ही ब्रांड खरीदी, एक ही दिन खरीदी। अब मैंने क्या किया, अपनी कार को रफ एंड टफ चलाया, उसको कभी घसीटा, कभी एक आध बार चोट भी लग गई उसको, लेकिन मैंने क्या किया, उसको बेचने का प्लान बनाया। आपने अपनी कार को अच्छी तरीके से केयर किया, उसको प्यार से रखा, आपने समय पे मेंटेन भी किया, और आपकी कार बिल्कुल नई जैसी लगती है। मेरी कार भी नई जैसी लगने के लिए मैंने उसको पेंट करा लिया, अब मेरी कार भी नई हो गई, आपकी कार भी नई हो गई। अब जब मार्केट में बिकने के लिए जाएगी, तो इसका मतलब यह हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी कार की क्वालिटी घटिया है, इसलिए मैं मार्केट में उस कार को 2 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हो जाऊंगा, जबकि आप उसी कार के लिए 3 लाख रुपए की डिमांड करोगे, कि आपको पता है कि आपकी कार तो बहुत अच्छी है, मुझे तो पता है कि मेरी कार क्वालिटी खराब है। अब मार्केट में कार का प्राइस ऐसे डिसाइड नहीं होता, बल्कि ऑन एवरेज होता है। यानी कि कार कंपनी क्या करेगी, ये पता करेगी कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी चली हुई, कितनी कब की मैन्युफैक्चरिंग है, कितने किलोमीटर चली हुई है, और उसके बेस पर एक एवरेज रेट निकाल देगी। मान लीजिए वो एवरेज रेट जो है वो 2.5 लाख रुपए आया,
यानी कि 2.5 लाख रुपए में कार बिक रही है 2020 का मॉडल, तो आप अपनी कार बेचने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कार की वैल्यू 3 लाख रुपए है, जबकि मैं अपनी कार बेचने को तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी कार की वैल्यू मात्र 2 लाख रुपए है, यानी कि 2 लाख रुपए मुझे पता है कि मेरी कार की कीमत होनी चाहिए, लेकिन मुझे मिल रहे हैं 2.5 लाख रुपए, तो मैं खुशी खुशी बेचने को तैयार हो जाऊंगा। यानी कि मार्केट में, सेकेंड हैंड कार मार्केट में केवल खराब ही प्रोडक्ट मिलेंगे, अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। देखिए, आप नया मोबाइल की बात मत कीजिए, सेकंड मोबाइल लेते समय सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमें नहीं पता कि जिस व्यक्ति का हम मोबाइल ले रहे हैं क्या वास्तव में उसका मोबाइल अच्छा है या नहीं है, यह दिक्कत तो हमेशा बनी रहेगी। सेकंड हैंड मार्केट में यह प्रॉब्लम हर किसी के साथ आती है। तो इस तरीके से, क्योंकि बायर और सेलर के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है, मार्केट सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, यानी कि या तो हमें कोई रेगुलेटर चाहिए, अदरवाइज मार्केट सिस्टम इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में केवल लेमन और लेमन ही रहेंगे, जो पीच है, जो अच्छी क्वालिटी की गुड्स है, जो बढ़िया चीज है, वो मार्केट सिस्टम से ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगी। इसके अलावा इसी तरीके से देखिए इंश्योरेंस मार्केट में होता है, मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मेरी एज 40 साल है, तो 40 साल का व्यक्ति अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहेगा तो मान लीजिए उसका जो प्रीमियम आएगा वो 25,000 रुपए आएगा, ठीक है, मेडिकल फिटनेस की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं, बस 25,000 रुपए आएगा। अब एक ऐसा व्यक्ति है जिसका उसका स्वास्थ्य खराब है, हालांकि वो भी नॉन स्मोकर नॉन ड्रिंकर है और मैं भी नॉन स्मोकर नॉन ड्रिंकर हूं, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब है ना, वो मॉर्निंग वॉक जाता, उसके पिताजी को भी डायबिटीज थी, उसकी माता जी को भी डायबिटीज थी, यानी कि उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो खराब है, वो ज्यादा इंश्योरेंस कराने में फेवर रहेगा। यानी कि मैं जानता हूं कि अगर मैं फिट हूं, मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं, मेरे को कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है मैं इंश्योरेंस कराऊं ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कार जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो हेल्थ इंश्योरेंस करा रही है, उसको जो हम व्यक्ति हैं जिसका वो इंश्योरेंस कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी किसको है? हमें अपने बारे में जानकारी है। यानी कि जो अच्छी हेल्थ का मालिक होगा, हो सकता है वो 25,000 रुपए पर इंश्योरेंस कराने को तैयार ना हो, जबकि बुरी हेल्थ का मालिक अपना इंश्योरेंस कराने को तैयार हो जाएगा। यानी कि अच्छे प्रोडक्ट को बुरे प्रोडक्ट ने मार्केट सिस्टम से बाहर कर दिया, क्योंकि देखिए जब कंपनी प्रीमियम डिसाइड करती है तो वो अच्छे और बुरे दोनों ही हेल्थ के लोगों को कंसिडर करके एक एवरेज प्राइस डिसाइड करती है, और उस एवरेज प्राइस में जो गुड हेल्थ का मालिक होगा, हो सकता है कि वो इंश्योरेंस ना कराए। इसी तरीके से क्रेडिट मार्केट में आता है। देखिए क्रेडिट मार्केट में क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बैड क्रेडिट रिस्क है, यानी कि उसने, और एक बी व्यक्ति है जो गुड क्रेडिट रिस्क है। अब कंपनी क्या कर रही है, बैंक क्या कर रही है, मान लीजिए HDFC बैंक जो है वो दोनों से ही 20% चार्ज कर रही है पर्सनल लोन का। अब ए जिसका गुड क्रेडिट हिस्ट्री है वो कहेगा यार कि भाई 20% तो बहुत ज्यादा है, मैं तो नहीं लेता 20% पे, जबकि बी जो है उसको पता है मुझे तो देना ही नहीं है, जब देना ही नहीं है तो 20 लो, 25 लो, 50 लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लो 20% पे दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति सच्चा होगा, जिस व्यक्ति के मन में पैसा वापस करने की इच्छा होगी, वो 20% पे जाके उधार लेगा ही नहीं। तो डेफिनेटली जब उधार लेगा ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति जो मार्केट में उधार ले रहे हैं वो केवल खराब क्रेडिट हिस्ट्री वाले ही लोग रहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने एग्जांपल से समझा कि जो मार्केट में जो लेमन प्रॉब्लम है, यानी कि एडवर्स सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो बैड प्रोडक्ट होते हैं वो गुड प्रोडक्ट को मार्केट से किस तरीके से हटा देते हैं। यानी कि इंश्योरेंस मार्केट में आपको केवल वही लोग मिलेंगे जो खराब हेल्थ इंश्योरेंस, जो खराब हेल्थ वाले होंगे। पुरानी कार मार्केट में केवल पुरानी कार मार्केट की कार ही बिकेंगी, या उधार लेने वालों में केवल जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है वही केवल उधार लेंगे ऊंची ब्याज दर पर। और इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे जो इसकी कॉज है वो क्या है, हमारा असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, यानी कि बायर और सेलर के पास इक्वल इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होता कि मैं गुड क्रेडिट हिस्ट्री को और बैड क्रेडिट हिस्ट्री को अलग अलग कर सकता, मान लीजिए बैंक के पास ऐसा कोई सिस्टम होता, तो डेफिनेटली वो जो ऊंची क्रेडिट, जो खराब क्रेडिट हिस्ट्री वाले हैं उनसे ज्यादा ब्याज लेती, जो अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री वाले उनसे कम ब्याज लेती। यानी कि या तो ये मैकेनिज्म डेवलप करो, अदरवाइज मार्केट सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चों इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहला सॉल्यूशन इसका जो है वो है प्राइवेट प्रोडक्ट प्रोडक्शन ऑफ एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, रिपोर्ट तैयार करती हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के इतिहास के बारे में जानना चाह रहे हो तो सिविल रिपोर्ट आती है इंडिया में। सिविल रिपोर्ट आपकी पूरे इतिहास को बता देगी, आज से 25 साल पहले आपने किससे लोन लिया, कितनी बार आपने ईएमआई नहीं भरी, कहां आपने डिफॉल्ट किया, यानी कि आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री को बता देगी सिविल रिपोर्ट। 750 रुपए में
आती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लेने की बात की, तो बैंक क्या कहेगी, पहले अपनी सिविल रिपोर्ट लेकर आओ, यानी कि सिविल रिपोर्ट में पूरा इतिहास लिखा होता है, और जब सिविल स्कोर 750 से ज्यादा होता है तभी बैंक लोन देती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से प्राइवेट प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी आप कर सकते हो। इसके अलावा कई बार देखिए गवर्नमेंट भी कई बार इंफॉर्मेशन देती है, कई बार गवर्नमेंट भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, यानी कि ये भी एक तरीका हो सकता है कि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। इसी तरीके से बच्चों इंटरमीडिएट्स होते हैं, कई सारे इंटरमीडिएट्स भी बन गए, जैसे देखिए कई सारे इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे रेगुलेटर अथॉरिटी है, इंश्योरेंस मार्केट में भी रेगुलेटर अथॉरिटी है, अगर आप बैंकों में जाओगे वहाँ पे भी रेगुलेटर अथॉरिटी है, यानी कि ये जो मिडिल मैन है, जैसे कार मार्केट में आप जाओगे, अब मारुति ट्रू वैल्यू है, अब मारुति ट्रू वैल्यू क्या करती है, मारुति ट्रू वैल्यू पुरानी कारों को खरीदकर उसका इंस्पेक्शन करती है, और इंस्पेक्शन करने के बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर कंज्यूमर को दे देती है। तो कंज्यूमर को ये लगता है कि अगर वो मारुति ट्रू वैल्यू से कोई कार खरीदता है तो डेफिनेटली उसको इस बात के चांसेस है कि उसको अच्छी कार मिले, जबकि सेकेंड हैंड कार खरीदने में बहुत बड़ा रिस्क यही रहता है बच्चों। तो इंटरमीडिएट भी आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी को उधार दे रहे हो तो उसकी जो असेट्स है उसको कोलेट्रल रख लिया जाए, ये भी एक तरीका हो सकता है, यानी कि आप जिस व्यक्ति को लोन दे रहे हो, मान लीजिए आपने किसी को होम लोन दिया तो होम को गिरवी रख लिया, कहा कि भाई पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा घर बेच देंगे हम और अपना पैसा निकाल लेंगे, या कार दी लोन पे तो कहा कि कार बेच देंगे आपकी अगर आपने पैसा टाइम से नहीं दिया, या तो ये भी एक तरीका हो सकता है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिकली ये समझाने की कोशिश की कि जो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उनकी वजह से पहली जो समस्या पैदा होती है वो होती है एडवर्स सिलेक्शन, और उस एडवर्स सिलेक्शन की वजह से मार्केट सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, या मार्केट सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, कोलैप्स तो नहीं बोल सकते लेकिन मार्केट सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। तो पहला पॉइंट बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।